प्रत्येक दिनों की भांति आज भी हम लोग 50 क्वेश्चंस इस क्लास में देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और टीजीटी आर्ट पे छपने की प्रबल संभावना रखता है। तो आप सब जल्दी से पेन पेपर उठा लो, फिर हम लोग क्लास की तरफ चलें। लग रहा है नेटवर्क इशूज के साथ साथ हमारा मोबाइल भी कुछ इशूज में आ गया है और मोबाइल में डाटा फुल हो जाता है फिर बड़ी दिक्कत होती है, और जब तक नॉर्मली फोन होता है सब अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो आप सभी अपनी उपस्थिति जल्दी से दर्ज करा लो। आज शाम को हम आपसे मिले थे अमर सर के साथ, अमर सर ने अपनी कुछ खूबियां बताई, आप जानते हैं अमर सर को, जो पुराने बच्चे हैं वो तो सभी जानते हैं क्योंकि अमर सर ही इस जो पीछे आपका बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पे आपका क्वेश्चन है, इसका जब हम लोग स्टार्टिंग सेरेमनी किए थे फाइनली तो अमर सर के द्वारा ही किया गया था। हालांकि हमारा पूरा मन था कि एक एडिशनल SP साहब थे उनको बुलाया जाए, लेकिन अमर सर ने कहा नहीं हम ही काटेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आज अमर सर डबल स्टार के साथ हैं और ख़ास बात ये है कि वो डबल स्टार आपका लखनऊ में ही सेवा दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि जहां आप रह रहे हों और लगातार अगर वहीं आपको मौका मिल जाए तो बहुत खुशी की बात होती है। अमर सर यहां लखनऊ में बहुत दिनों से रहे हैं, आज बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं जिसके कारण हम ग्रुप की लिंक शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये क्लास की लिंक, और सीधे क्लास की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो आपसे कह रहा है ओरना का भोजन, ओरना का भोजन जैसा जो प्रसिद्ध चित्र है वो कौन से कलाकार ने बनाया? वॉन गॉग ने बनाया, कोर्बे ने बनाया, गार्गिन ने बनाया, सेजान ने बनाया। आपसे पूछ लिया गया है ओरना का भोजन जैसी बढ़िया रचना कौन से कलाकार के द्वारा उकेरी जाती है, और जब इस रचना के बारे में हम आपसे बात करते हैं तो जो राइट आंसर्स बनता है मित्रों, वो राइट आंसर्स किसके साथ बनता है ओरना के भोजन के लिए? मित्रों ओरना का भोजन जो रचना है ये फाइनली आपके कोर्बे की रचना है, इसलिए जब आप सही जवाब लगाना तो कोर्बे के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना दो नंबर आता है, प्रश्न संख्या दो की बात करते हैं। पूछ लिया गया है मित्रों स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार था, चार्ल्स चतुर्थ का कहाँ के राजा हैं स्पेन के, इनका दरबारी चित्रकार मोनेट रहे हैं, डेविड रहे हैं, गोया रहे हैं या फिर कोर्बे महोदय रहे हैं? आपसे पूछा गया है स्पेन के एक राजा हुए चार्ल्स चतुर्थ, और इस चार्ल्स चतुर्थ के दरबार की शोभा कौन रहा मित्रों? तो अगर इनके दरबार में आप देखेंगे कि चित्र रचना कौन बनाता है तो कलाकार का नाम फाइनली गोया के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों, गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी से बचने के लिए आपको पर्याप्त पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, नमी की आवश्यकता होनी चाहिए। तो अगर आप सक्षम हैं मित्रों तो अपने घर के बाहर एक प्याऊ लगवाएं जिससे समाज के लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। आज मैं लखनऊ के इस छोर से लखनऊ के उस छोर गया था कानपुर रोड पे, और यहाँ से वहाँ जाने पे हमें कम से कम 20 से 22 जगह हमें प्याऊ की सुविधा देखने को मिली। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम अभी मानवता जिंदा है, लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे का मदद करें। पशु पक्षियों के लिए मैंने देखा है कि जो अंडरपास बना होता है, अंडरपास के नीचे साइड में छोटे छोटे वो दिए टाइप के हैं, घड़े रखे गए हैं, उसमें पानी रखा है, चिड़िया आती हैं, चहचहाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मार्मिक दृश्य होता है कि आज के डेट में भी कोई चिड़ियों को भी दाना पानी दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। पर्याप्त गर्मी है, जैसे हम आपको गर्मी लगती है मित्रों, ऐसे पशुओं को भी गर्मी लगती है, ऐसे जानवरों को भी गर्मी लगती है, ऐसे चिड़ियों को भी गर्मी लगती है। सोचो जब अकबर के काल में भी आपको पाश्चात्य का दृश्य देखने को मिल जाता है, अकबर के काल में भी चिड़ियों का चितेरा है, आपके पशु पक्षियों का चितेरा है, प्रकृति का चितेरा है, तो आज की डेट में तो आप जहाँ चाहो, चितेरे का मतलब क्या है, आप सीधे आज की डेट में तो कैमरा उठा के फटाक से फोटो खींचते हो, रील बना लेते हो, रील से जो कुछ होता है वो आप जानते ही हो। उस टाइम पहले चितेरे नहीं हुआ करते थे तो वो सब मार्मिक दृश्य बनाना पड़ता था जो आज आप मोबाइल के कैमरे से कैद कर लेते हैं।
तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि आप सभ्यता और संस्कृति के विद्यार्थी हैं, आप आर्ट एंड कल्चर के विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, लामा मिला रेम्पा, बर्थ ऑफ लाइट जैसी प्रमुख रचना जो है वो कौन से कलाकार ने बनाई? नाम कंवल कृष्ण का है, भूपेन खक्कर का है, देवयानी कृष्ण का है और अतुल डोंडिया का नाम आपके सामने है। पूछा गया लामा मिला रेम्पा, बर्थ ऑफ लाइट, ये सारी जो रचनाएं बनाई जाती है मित्रों कौन से कलाकार के द्वारा बनाई जाती है? अगर लामा मिला रेम्पा या बर्थ ऑफ लाइट के बारे में अगर पूछा जाता है मित्रों, तो रचनाकार का नाम आप कंवल कृष्ण लगाना, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाना, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों लंदन से बड़े हैं। फतेहपुर सीकरी और आगरा जो है ये लंदन से बड़ा है, यह कथन किसका है मित्रों? नाम अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल का है, मुराद का है, रामफ्लिक फिज का है और इनमें से कोई नहीं का भी नाम आपके सामने। फतेहपुर सीकरी और आगरा जो है ये दोनों के दोनों लंदन से बड़े हैं। अब अगर फतेहपुर सीकरी और आगरा लंदन से बड़े हैं तो इस कथन का उद्बोधन किसके द्वारा दिया गया, ऐसा टिप्पणी किसके द्वारा किया गया? तो मित्रों राल्फ फिंच का नाम आपको याद रखना होगा, सही जवाब राल्फ फिंच के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा, सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, तो पूछा जा रहा चित्रकार रांझा, ये चित्रकार है मित्रों रांझा नाम है, काम नाम है, गौड़ नाम है, निक्का नाम है, ये कौन से कलाकार के पुत्र थे? बसावल का नाम है, नैनसुख का नाम है, केशव का नाम है और निहाल चंद का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रांझा, काम, गौड़ और निक्का जो है ये कौन से कलाकार के पुत्र रहे हैं, कौन से चित्रकार कलाकार के पुत्र रहे हैं मित्रों? तो सही जवाब आप गुलेर शैली का एक बहुत अच्छा कलाकार लगाना, और गुलेर शैली का एक कलाकार है जिसका नाम नैनसुख है, उसके पुत्रों में शुमार हैं ये लोग। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। अगर हम प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं तो आपसे एक पुस्तक के बारे में पूछा गया, राजपूत पेंटिंग लंदन, ये किस कलाकार की रचना है? एके स्वामी ने लिखी, राय कृष्णदास ने लिखी, वचास्पत गोरिल्ला ने लिखी या फिर कर्नल टाड के द्वारा लिखी गई? राजपूत पेंटिंग लंदन जैसी बढ़िया पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, ये पुस्तक आपकी 1948 में लिखी जाती है और इसके राइटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो राजपूत पेंटिंग लंदन शब्द जो जुड़ गया मित्रों, इसके लिए सही जवाब जो बनेगा वचास्पत गोरिल्ला के साथ बनेगा, बी के साथ आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। मित्रों बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी को देखते हो, आपके बीच में हो और कुछ दिन बाद वही बंदा सेलेक्ट होकर के आ जाए, कहीं भी सरकारी पदों पर आ जाए तो बहुत खुशी मिलती है। जैसा हाजमर सर को देखने के बाद बहुत खुशी मिली, हालांकि ये हमें भी पता है कई रिजल्ट उनके आए हैं और रिजल्ट में हमने फाइनली वर्दी में तो नहीं देखा था, लेकिन आज उन्होंने जो ये होता है ना स्टार वाला वर्दी चेंज किया, तो वर्दी चेंज किए तो उन्होंने कहा सर आप ही स्टार चेंज करिएगा। अब वो स्टार निकालना और स्टार लगाना बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत खुशी हुई और खुशी आपके बीच हमने साझा की है। बहुत सारे मित्र हैं जो नौकरी पा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो यहाँ तक आ भी नहीं पाए हैं, मैं चाहूँगा कि जो जो ईमानदार हैं वो यहाँ तक आवें और आप लोगों के बीच में भी अपनी बातें रखें। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कमला और इलायची जैसी जो महिला चित्रकार हैं वो कहाँ के हैं? नाम तंजौर का है, नाथ द्वारा का है, कंपनी शैली का है और पहाड़ी शैली का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया कमला और इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी कहाँ की है मित्रों? तो ये कमला और इलायची देवी जो है ये आपके नाथ द्वारा शैली की अच्छी महिला चितेरी है, राइट आंसर नाथ द्वारा के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर मित्रों बना लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 8 की अगर हम बात करते हैं तो मित्रों आपसे कह रहा है मीरा का मेवाड़ त्याग और चित्रलेखा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया?
चित्रलेखा की बात हो रही है और मीरा का मेवाड़ त्याग बात हो रहा है। ये बढ़िया चित्र है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने बनाया, शैलेन्द्र डे ने बनाया, ललित सेन ने बनाया या फिर राम किंकर वैज के द्वारा बनाया गया। आपसे पूछा गया है मीरा का मेवाड़ त्याग और चित्रलेखा जैसी बढ़िया रचना को बनाने में किस कलाकार का अहम योगदान है, किस कलाकार का अच्छा योगदान है। तो सही जवाब की अगर हम बात करते हैं मित्रों, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी सही जवाब बनते हैं। जेएम अहिवासी इज द राइट आंसर लगाना है, फर्स्ट के साथ आपको सही जवाब बनाना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया अनजाना सफर, अनजाना सफर हो या फिर शह अस्तित्व हो, शह अस्तित्व की बात हो, अनजाना सफर की बात हो, प्रमुख चित्र है, किसने बनाया, राम किंकर वैज ने बनाया, एस एच रजा ने बनाया, देवयानी कृष्ण ने बनाया या फिर अस्तित्व कुमार हालधार के द्वारा बनाया। आपसे पूछ लिया गया अनजाना सफर, शह अस्तित्व, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं और इसके रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया मित्रों, तो रचनाकार वही होगा जो 1924 में जयपुर कला महाविद्यालय में एज अ प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया है और एक साल अपनी सेवा देने के बाद वो फाइनली लखनऊ कला महाविद्यालय के एज अ प्रिंसिपल होते हैं। तो सही जवाब आपको आउनी बाबू का चेला और असित कुमार हल्दार लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लो, हम 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सिल्वेराड ने 1907 ईस्वी में किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की थी। नाम बेल्लारी का है, बांदा का है, होशंगाबाद और पंचमढ़ी का नाम आपके सामने है। दे दिया गया सिल्वेराड। सिल्वेराड ने 1907 में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल खोजा है मित्रों। अगर उस प्रागैतिहासिक स्थल की हम बात करते हैं तो जो राइट आंसर विजय जी बनेगा वो आपका बेल्लारी नहीं बनेगा, वो आपका फाइनली बांदा बनेगा जो आपके उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 13 मार्च 1952 ईस्वी को 24 परगना बंगाल में किस कलाकार का जन्म हुआ। 24 परगना में 1952 को 13 मार्च का डेट होता है, किस कलाकार का जन्म हुआ। नाम नंदलाल है बोश, शमीर मंडल, असित कुमार हालधार और भारती खेर का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया 13 मार्च 1952 को 24 परगना बंगाल में कौन से कलाकार का जन्म होता है। मित्रों जब वहां कलाकार के नाम की बात आती है तो आप लोग जो सही जवाब लगाते हैं वो मंडल साहब के साथ लगाते हैं और एकदम राइट आंसर्स मंडल ही हैं। तो राइट आंसर्स आपका समीर मंडल बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 2 आपकी इस करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है काला संगमरमर में 122×91.5×221 सेंटीमीटर की नादेश्वर प्रतिमा किस कलाकार ने बनाई। नाम बलबीर सिंह कट्ट का है, सरवरी राय चौधरी का है, नित्यानंद महापात्रा का है और कृष्ण केंटागिरी हेबार का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया काला संगमरमर में नादेश्वर की जो प्रतिमा है वो किस कलाकार के द्वारा बनाई जाती है। अगर आप काला संगमरमर में नादेश्वर की प्रतिमा देखेंगे मित्रों तो वो रचना फाइनली, हाँ बिमला कुमारी जी एकदम राइट आंसर्स दे रही हैं, सही जवाब आपका बलबीर सिंह कट्ट बन रहा है मित्रों। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगा लेना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है, ए के साथ आपको सही जवाब बना लेना। मित्रों आप जानते हैं गर्मी बहुत पर्याप्त है और हमारे यहाँ संसाधन का थोड़ा सा अभाव है, उस संसाधन के अभाव के होने के कारण आप जानते हैं कि क्लास बहुत पसीने से होती है, बहुत मेहनत से होती है। सर आज क्लास क्यों नहीं लेने आ पाए। मित्रों आप जानते हैं सर भाई थोड़ा अच्छे माहौल में पले बढ़े हैं, अच्छे माहौल में रहे हैं, उनके यहाँ SC OC लगी हुई है लेकिन हमारे वहाँ वो सुविधा है नहीं, फिर भी सर पढ़ाने आते हैं। सर के जो हाथ फात है बदन में थोड़ा सा दाने निकल आए हैं, अब वो गर्मी की वजह से हुए हैं, हम तो यहाँ सधे हुए हैं तो हम चाहे गर्मी में रहें चाहे बरसात में रहें चाहे ठंडक में रहें जानते हैं
लेकिन सर बहुत परेशान हो गए, तो उनको आज डॉक्टर को दिखाना पड़ा और फाइनली उसके लिए उपचार भी करवाना पड़ा है। तो इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर दिया करो तो हमें भी मोटिवेशन मिल जाया करे, हम भी क्लास लेने में कोई हिचकिचाहट ना रखें। मित्रों बहुत कष्ट के साथ क्लास हो रही है, आप भी जानते हैं कितना टाइम हो गया है और कितना टाइम से हम लोग लगातार एक ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कर लिया करो। हमारी कोचिंग कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा नाम है। आप लोगों का प्यार होगा तो निश्चित रूप से पूरा ज़माना अपना होगा, लेकिन पहले आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, खुशी मिलेगी, बहुत मेहनत के साथ काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, सिलेंडर सेल का संबंध है। नाम मिस्र की कला का है, भारतीय कला का है, मेसोपोटामिया की कला का है और ईरान की कला का नाम दे दिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है सिलेंडर सील का संबंध आप कहां से देखते हैं। तो मित्रों जो सिलेंडर सील का संबंध होता है वो आपका मेसोपोटामिया की कला से है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है, बी के साथ सही जवाब लगाना है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत सारे लोगों को हमारी बात आजकल बुरी लग रही है, क्यों बुरी लग रही है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्लास पढ़ते पढ़ते वो सारी बातें उनके दिमाग में बैठ गई हैं, कौंध गई हैं, याद हो गई हैं, तो इसलिए अब उनको हमारी बातें बुरी लगती हैं। अब भाई बातें बुरी लगती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा तरीका है वही हम पढ़ाते हैं। याद होना ना होना ये आपके दिमाग की बात है, आप कितना खुल करके बैठते हैं याद होता है वो अलग की बात है, लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करेंगे, तो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है हमें जहाँ तक उम्मीद है उस लक्ष्य में आप कामयाब होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन से 30 मार्च 1746 ईस्वी को पत्र शिष्को गोया का जन्म किस देश में हुआ। नाम जर्मनी का है, भारत देश का है, स्पेन और पेरिस का नाम दे दिया गया। आपको फ्रांसिस्को गोया देखना है मित्रों, फ्रांसिस्को गोया का जन्म 1746 के आसपास कहां पर होता है, तो जो सही जवाब बनता है वो आपका स्पेन होता है, इसलिए हम राइट आंसर स्पेन के साथ देते हैं, डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर होगा, आपसे कह रहा है कौन सा कलाकार कला अध्ययन के लिए घर में लाशें रखता था। कौन सा कलाकार है जो कला के अध्ययन के लिए घर में अपनी लाश रख लेता था, मित्रों मुर्दों को रख लेता था। नाम तोजो ओवर जेरिको का है, गोया का है, कांस्टेबल का है और टर्नर का नाम आपके सामने है, आपसे पूछ लिया गया कौन सा कलाकार ऐसा है जो अपने घर में लाश रख लेता था, तो उस कलाकार को फाइनली नाम दिया जाता है तोवोदोर जेरिको। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की उम्र में मोगिंग्स फ्रांस में किस कलाकार का निधन हो गया। नाम सल्वाडोर डाली का है, पाब्लो रुई पिकासो का है, नाम आपका जिम डाइन का है और टर्नर का नाम आपके सामने है। सर जी 10 का डोज लेना है, 10 का डोज के लिए 800 रुपये का पेमेंट और अपना नाम पता मोबाइल नंबर पिन कोड भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की आयु में मूविंग फ्रांस में कौन सा कलाकार अंतिम सांस लेता है मित्रों, तो उस कलाकार को पाब्लो रुई पिकासो नाम दिया जाता है, सही जवाब आपको पिकासो लिखना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है, पूछ लिया गया सफेद तथा सफेद श्रृंखला जैसी बढ़िया प्रिंट जो तैयार की जाती है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है। सफेद पर सफेद मीरा मुखर्जी की है, चिंतामणि कर की है, सोमनाथ होर की है और इनमें से कोई नहीं का नाम आपके सामने है। सफेद पर सफेद रचना के लिए अगर हम नाम देखते हैं तो नाम आपका सोमनाथ भारती के साथ जाता है, तो सोमनाथ होर के साथ आंसर्स लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स मित्रों छाप लेना, बी इज द राइट आंसर्स लगेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन से, आपसे कह रहा है
परसेप्शंस ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को किसके द्वारा निर्मित किया गया? परसेप्शंस ऑफ उदयपुर, नाम मंजीत बाबा का है, रैफेल का है, मास्टर मोशाय का है और पीएन चोयल का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया परसेप्शंस ऑफ उदयपुर। मित्रों अगर हम परसेप्शंस ऑफ उदयपुर की श्रृंखला को पूछेंगे कौन बनाया है तो नाम पीएन चोयल लगाना पड़ेगा, परमानंद चोयल इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। टुडे के साथ आंसर्स बिठाएंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है ए रामाचंद्रन के जापानी गुरु थे। नाम फूको अफ्रिनो का है, शिवरा का है, डाली का है और रोजेंटो का नाम आपकी स्क्रीन पे है। ए रामाचंद्रन के जापानी गुरु थे आपसे पूछा गया। अगर अच्युतम रामाचंद्रन के आप जापानी गुरु का नाम देखेंगे तो फूको अकिनो है, इसलिए जब सही जवाब की हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका फूको अकिनो के साथ बैठेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, कह रहा कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा जैसा चित्र नीरज मजूमदार का है, बोनगॉक का है, गोपाल घोष का है या फिर भावेश चंद्र शान्याल का है। आपसे कह रहा कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा जैसा जो प्रमुख चित्र है मित्रों वो किसके द्वारा बनाया गया? तो अगर इस रचना के लिए हम नाम पूछेंगे तो आपको कहना पड़ेगा नाम में भावेश है और भावेश चंद्र शान्याल नाम होता है, तो डी के साथ आप आंसर्स मिलान कर लो, डी इज द राइट आंसर्स मित्रों लगा। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एक ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है, एक ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? नाम प्रयाग झा का है, बीबी जोशी का है, प्रदोष दास गुप्ता का है और तैयब मेहता का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे एक ब्राइड के बारे में पूछा गया है कि एक ब्राइड मूर्ति जो है वो किसके द्वारा बनाई गई। अगर आपसे एक ब्राइड के बारे में पूछ रहा है तो राइट आंसर आपको प्रदोष दास गुप्ता के साथ लगाना है, सही जवाब प्रदोष दास गुप्ता बनाना है, बिल्कुल सही जवाब बी के साथ बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया पहली भारतीय कलाकार जिनके कार्यों को 1986 ईस्वी में सिडनी बियनाले में प्रदर्शित किया गया। नाम दिया गया कवल कृष्ण है, जितेंद्रनाथ बनर्जी हैं, समीर मंडल हैं या फिर मृणालिनी मुखर्जी हैं। आपसे पूछ लिया गया मित्रों पहली बार भारतीय कलाकार जिनके कार्यों को 1986 में सिडनी के बिनाले प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है उसका नाम क्या होता है? तो मित्रों आप जानते हैं उनका नाम जो है वो मृणालिनी मुखर्जी है, इसलिए जब आप सही जवाब लगाएंगे तो मृणालिनी मुखर्जी के साथ लगाएंगे, डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाए, तो डी के साथ आप सही जवाब लगाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे, पूछ रहा है आपसे विजय स्तंभ जो 122 फीट लंबा है इसका वास्तुकार कौन था? आपसे विजय स्तंभ के बारे में पूछा गया, जैता रहे हैं, हामिद लाहौरी रहे हैं, मंसूर रहे हैं या फिर लुटियंस रहे हैं। अगर विजय स्तंभ की हम बात करते हैं तो विजय स्तंभ 122 फीट जो लंबा है मित्रों इसको बनाने का काम जैता का रहा है ना कि लुटियंस का, तो सही जवाब आप जैता लगा लो, आप लोग काहे डी आंसर्स दे रहे हो ये नहीं समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, पूछा गया द रियलिटी ऑफ विजन, ये मिक्स्ड मीडियम में है मित्रों, आपसे पूछा गया द रियलिटी ऑफ विजन चित्रित किया गया नंदलाल के द्वारा, डीपी राय चौधरी के द्वारा, राजीव लोचन के द्वारा या फिर रमेंद्र नाथ के द्वारा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन की अगर हम बात करते हैं तो इस रचना को फाइनली जो बनाने का काम रहता है वो आपके राजीव लोचन का रहता है, इसलिए हम सही जवाब जब देंगे तो बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं, पूछ लिया गया भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थापित है? भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थापित है? गोवा में है, अहमदाबाद में है, मुंबई में है या फिर पटना में?
आपसे पूछा गया भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थित है मित्रों, तो सही जवाब जब लगाना पड़ेगा तो भारत का पहला पतंग संग्रहालय आपके गुजरात प्रांत में है और गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में है। इसलिए आप जब सही जवाब लगाओगे तो अहमदाबाद के साथ लगाओगे, सी के साथ राइट आंसर बनाओगे। शब्र रखो अभी मेहनत जारी है, शब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। छह नंबर क्वेश्चन से हेमंत शेख की प्रसिद्धि किस रूप में है, नाम कला समीक्षक दे दिया गया, मूर्तिकार दे दिया गया, चित्रकार दे दिया गया और राजनीति का नाम दे दिया गया। आपसे हेमंत शेष के बारे में पूछा गया, अगर आप हेमंत शेष को देखते हैं मित्रों तो आपको याद होना चाहिए हेमंत शेष जैसे आपके आनंद कैटेश कुमार स्वामी हैं ऐसे ही एक प्रख्यात कला समीक्षक हैं। इसलिए आप जब सही जवाब लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ लगाएंगे, हम अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन सात नंबर है, पूछ लिया गया प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं, ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं, नाम मदन लाल नागर का है, ए रामाचंद्रन का है, कृपाल सिंह का है और जतिन दास का नाम आपके सामने दे दिया गया। आपसे ग्रीन लोटस पॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपसे ग्रीन लोटस पॉन्ड के बारे में पूछा गया तो आपको जो राइट आंसर्स लगाना है ए रामाचंद्रन के साथ लगाना है, यानी सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है, ए रामाचंद्रन इज द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन साठ नंबर आता है, पूछा गया कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, रस्किन ने कहा है, हर्बर्ट रीट ने कहा है, सत्पर ने कहा है या फिर आपके शैली के द्वारा कहा गया है। आपसे कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ऐसी परिभाषा किसने दी है मित्रों, तो ऐसी परिभाषा जो दी जाती है ये फाइनली आपका शैली के द्वारा दी जाती है, तो बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आजकल प्रचार का जमाना है और प्रचार कुछ नेता लोग कर रहे हैं, कुछ कंपनी लोग कर रही हैं, कुछ व्यक्ति लोग कर रहे हैं और कुछ वस्तु लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नौ नंबर है, आपसे पूछ लिया गया मणिकुट्टियम में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है, नाम सीमेंट का है, संगमरमर का है, रंग और लकड़ी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया मणिकुट्टियम में कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं, अगर मणिकुट्टियम की बात आती है तो मणिकुट्टियम में मित्रों आपके संगमरमर का उपयोग करते हैं, तो संगमरमर आंसर्स लगाना, आप सही जवाब सी के साथ बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे होगा, प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे, किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाया, किस शैली के चित्रों को मैक्सिमम मुसलमान चित्रकारों ने बनाया, बूंदी जोधपुर कंपनी और बीकानेर का नाम दे दिया गया। शैली का नाम आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी शैली है जिसके चित्रों को मैक्सिमम मुसलमान चित्रकारों ने बनाया, तो मित्रों सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बीकानेर के साथ जाता है, बी इज द राइट आंसर आपका बन जाता है, तो बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ, नाम खजुराहो का है, महाबलीपुरम का है, लिंगराज मंदिर का है और इलोरा का नाम आपके सामने है। आपसे कह रहा है पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है, आपको आंसर देना है पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है मित्रों, और जब इसमें कला केंद्र की बात आती है तो राइट आंसर आपका दक्षिण भारत का महा बलिपुरम बनता है, इसलिए सी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। आगे चला जाएगा, दो नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या दो की बात करते हैं, कह रहा है यूपी में स्थित हुआ पहला विश्वविद्यालय जिसमें एमएफ हुसैन का कोर्स शुरू हुआ, यूपी पहला विश्वविद्यालय जहां एमएफ हुसैन का कोर्स चला, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपसे पूछा गया है यूपी का कौन सा पहला विश्वविद्यालय है,
जहां पर मकबूल फिदा हुसैन का कोर्स चला है। तो जिसने मकबूल फिदा हुसैन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी होगी उसी बीएचयू में स्टार्ट हुआ है। तो राइट आंसर्स आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर आता है मित्रों, और प्रश्न संख्या 3 आपसे क्या कहता है, कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? कुमारी का सिंहासनारोहण नामक जो चित्र है मित्रों, क्या पिकासो का है, राफेल का है, आंद्रिया आर्केना का है, और विंची का नाम आपके सामने है। आपसे कुमारी का सिंहासनारोहण पूछा गया है, और जब कुमारी का सिंहासनारोहण रचना पूछी जाती है तो जो राइट आंसर्स बनता है वो राइट आंसर्स आंद्रिया के साथ बन रहा है। आंद्रिया आर्केना इज द राइट आंसर्स लगा लो। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कानून राम शर्मा, कानून राम शर्मा किस कलाकार के आरंभिक शिक्षक थे? कृष्णा रेड्डी के, पीएन चोयल के, भूपेन खक्कर के, या फिर मंजीत बाबा के? आपसे कानून राम शर्मा के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके कलाकार गुरु रहे हैं, स्टार्टिंग में कलाकार गुरु रहे हैं। तो जब कानून राम शर्मा का नाम आए तो परमानंद चोयल का नाम आप भी याद रखिएगा। सी के साथ आप राइट आंसर्स बनाइएगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, और प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों मोटी और नाटी मानवाकृतियां जो है वो कौन सी शैली की हैं? तो मोटी और नाटी मानवाकृतियों की बात करें, किशनगढ़ शैली की हैं, अजंता शैली की हैं, मेवाड़ शैली की हैं, या फिर बूंदी शैली की हैं? आपको बताना है मोटी और नाटी मानवाकृतियां कहाँ दिखाई देती हैं। तो मोटी और नाटी मानवाकृतियां जो हैं वो मेवाड़ में दिखाई देती हैं, मेवाड़ शैली सही जवाब बनता है। तो आपको राइट आंसर जो यहाँ लगाना है वो डी के साथ लगा लेना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं। पूछा गया पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? पाल शैली में चित्रण का जो मेन विषय रहा है वो जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, ईसाई धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? तो पाल शैली में आपके चित्रण का जो मेन विषय रहा है मित्रों, आप भी जानते हैं कि फाइनली आपका बौद्ध धर्म रहा, क्योंकि पाल वंश की जो स्थापना है वो गोपाल के द्वारा की जाती है, बंगाल में इस्टेब्लिश होता है, और वो जो है महान जो राजा बनते हैं उनका धर्म जो होता है वो फाइनली बौद्ध धर्म होता है। आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दाम्पत्य रूप में दर्शाया गया है कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में, बाघ में, अजंता में, एलोरा में? आपसे कल्याण सुंदरम मूर्ति के बारे में पूछा गया, ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो कई बार क्वेश्चंस में आंसर आपसे धारापुरी दे दिया गया है, तो आप धारापुरी या फिर एलिफेंटा जरूर याद रखना, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना, मुंबई महाराष्ट्र इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? भित्ति चित्रण का निर्माण कहाँ से स्टार्ट होता है? अजंता से, बादामी से, बाघ से, या फिर जोगीमारा से? आपसे भित्तीय चित्रण की बात आती है मित्रों, तो जो भित्तीय चित्रण की स्टार्टिंग होती है वो 300 ईसा पूर्व में होती है। अब 300 ईसा पूर्व में जहां दृश्य दिखाई दे रहा हो आपको सही जवाब लगाना पड़ेगा, तो जोगी मारा राइट आंसर बनेगा, बी के साथ आपको सही जवाब बना लेना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, और प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया गया? नौलखा मंदिर कौन से वंश द्वारा निर्मित किया गया? सोलंकी वंश, सातवाहन काल, मौर्य काल, और शुंग काल का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया गया? अगर नौलखा मंदिर के बनवाने की बात आती है तो जो उस टाइम 9 लाख रुपए खर्च करके नौलखा मंदिर बनवाएगा उस राजा का नाम सोलंकी शासक होगा। तो राइट आंसर सोलंकी नरेश लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछ लिया गया हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है?
झांसियां बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है? राजपूत शैली, जैव शैली, फारसी शैली, इनमें से कोई नहीं। आपसे हाशिया बना करके चित्रकारी के बारे में पूछा गया, कौन सी शैली का प्रभाव है मित्रों? तो जिसे हम फारसी शैली कहते हैं, कभी कभी मुगल शैली भी नाम आ जाता है। तो फारसी शैली में ऐसा हुआ है, बी के साथ आंसर्स लगा लेना, आगे चला जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक है, ये पुस्तक है मित्रों, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, आनंद गेटे कुमार स्वामी है, हेनरी मोर है, स्टेला कैम्ब्रिज है, कार्ल खांडला वाला है। आपसे पूछा जा रहा है द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है मित्रों, और जब लेखक का नाम आपसे पूछा जाता है तो राइट आंसर कार्ल खांडला वाला बनता है, इसलिए बी के साथ हमें राइट आंसर छापना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा, दो नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है भारत भवन कहाँ अवस्थित है? नाम बनारस का दे दिया गया, नाम भुवनेश्वर का दे दिया गया, भोपाल और नई दिल्ली की बात हो रही है। आपसे पूछा गया है भारत भवन की लोकेशन कहाँ पे है। अगर भारत के साथ भवन शब्द दिया गया है तो ये भोपाल में है, अगर भारत के साथ कला भवन दे देता तो ये आपकी बनारस में हो जाता। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारा तीन नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या तीन की बात आती है, नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ क्या समरांगण सूत्रधार है, हर्ष चरित्र है, चित्र लक्षण है, चित्र सूत्र है? आपसे पूछा गया है नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। मित्रों अगर नग्नजीत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है तो सही जवाब जो है वो चित्र लक्षण के साथ देना, सही जवाब जो है आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना। सही जवाब डी के साथ जाएगा। हम चार नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या चार आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? नाम दिया गया मौन का प्रतीक है, निरंतर गति का प्रतीक है, मध्यम गति का प्रतीक है, या फिर अस्थाई भाव का प्रतीक है। आपसे पूछा गया भारतीय तिरंगे में जो चक्र है, फाइनली 24 तीलियों वाला चक्र, वो निरंतर गति को दर्शाने का प्रयास करता है, इसलिए आप सही जवाब निरंतर गति लगाना, सी के साथ आंसर्स लगाना। पूछा जाएगा चक्र कौन से कलर का है, तो नीला रंग का है मित्रों, नीला सही जवाब। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। आप जानते हैं जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे के जो वास्तुकार हैं, तिरंगे के डिजाइनर हैं, उनका नाम पिंगली वेंकैया होता है, तो ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना पिंगली वेंकैया फाइनली आपके झंडे के आविष्कारक हैं, तिरंगे झंडे के वास्तुकारक हैं। अगला क्वेश्चन पांच नंबर है, आपसे कह रहा है लाजवर्द यानी लेपिस लाजुली का रंग क्या है? नाम प्रखर लाल का है, चमकीला हरा का है, मटमैला लाल का है, और तीव्र नीला का नाम आपके सामने दे दिया गया। लाजवर्द यानी लापिस लाजुली का रंग क्या होता है मित्रों? अगर हम लेपिस लाजुली के रंग की बात करते हैं तो सही जवाब जो है हमारा तीव्र नीला बनता है, राइट आंसर हमें बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। छह नंबर क्वेश्चन पे चलें, तो छह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़ जाते हैं? जो पाकिस्तान से आते हैं वो क्या बॉम्बे ग्रुप से जुड़ते हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ते हैं, पैग से जुड़ते हैं, या फिर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से जुड़ते हैं? पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार मित्रों आपके दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ते हैं, तो राइट आंसर दिल्ली शिल्पी चक्र लगाना, सही जवाब आप सी के साथ बनाना, सी इज द राइट आंसर आपका आ रहा है। हम अगला क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सात नंबर है। पूछ लिया गया शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे, शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक सतीश गुजराल हैं, के हेबार हैं, भावेश चंद्र सान्याल हैं, निष्पेंद्रे हैं। आपसे पूछ लिया गया शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक का नाम। अगर आपसे शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक के बारे में पूछा जाता है तो आपको जो है भावेश चंद्र सान्याल के साथ आंसर देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आठ नंबर आता है। प्रश्न संख्या आठ की बात करते हैं। पूछा गया दादावाद का दादा शब्द किसने चुना?
दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है? नाम जान क्रिस्टो का है, लिंडसे ग्राहम का है, ट्रांस्टा जारा का है और फ्रेंडा कोहलो का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा गया दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है। अगर दादावाद में दादा शब्द की बात आती है मित्रों, तो ये ट्रांस्टा जारा के द्वारा चुना गया शब्द है, इसलिए आप जब सही जवाब यहाँ लगाना तो बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर, फाइनली बिठा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं एनएस गोयतांडे हैं, शांति दबे हैं, केएस कुलकर्णी हैं और राघव कनेरिया का नाम आपके सामने है। पूछा गया बैल के चित्रकार कौन हैं। अगर बैल के चित्रकार की बात आती है तो केएस कुलकर्णी का नाम जुड़ता है। बी के साथ हमें सही जवाब बनाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर, फाइनली हम लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। पूछा गया मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग जो है वो कहा जाता है, बाबर का काल, जहांगीर का काल, अकबर का काल या फिर शाहजहां का काल। आपसे मुगलिया शैली का, मुगलिया चित्रकला का जो स्वर्ण काल है, जो सबसे बढ़िया काल है, वो कौन सा काल है? तो मित्रों यहाँ चित्रकला दिया गया और चित्रकला का शीर्ष काल जहांगीर का काल है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल आपके शाहजहां का है, काव्य कला का स्वर्ण काल अकबर का है और मुगलिया वंश का संस्थापक जो है वो फाइनली आपके बाबर है। तो सभी बात एकदम दिमाग में आपके होना चाहिए। ये चारों क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बार बार टेस्ट पेपर में, मॉडल पेपर में, 10 के डोज में मिले हैं आपको, प्रीवियस ईयर में भी मिले हैं। अब आप लोग बताइएगा 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, ईमानदारी के साथ बताइएगा।